मौजूदा दौर में किसी भी बीमारी का इलाज करवाना एक बहुत बड़ा मसला है, मगर रियासत तेलंगाना में हुकूमत की जानिब से जो तिबी सहूलियात फराहम की जाती है वो हुकूमत का एक बेहतरीन इकदाम है। रियासत तेलंगाना में वजीर सेहत हरीश राव ने मेडिकल बजट 12,160 करोड़ रुपये जारी किया है। तेलंगाना में वजीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में और उनकी ज़ाती दिलचस्पी के बायस रियासती वजीर सेहत हरीश राव ने शख्सी दिलचस्पी दिखाई और सरकारी दवाखानों में कॉरपोरेट दवाखानों की तरफ पर इलाज की सहूलत फराहम की गई। गांधी हॉस्पिटल हो या उस्मानिया हॉस्पिटल या कोई और हॉस्पिटल, तमाम दवाखानों में तमाम मेडिकल सहूलियात फराहम की गई हैं और जदीद बिल्डिंग्स भी तामीर करवाई गई हैं। दिल के अमराज हों, कैंसर, टीबी जैसी बीमारियों के लिए भी बजट मख्तस किया गया है, जबकि हैदराबाद के सरकारी दवाखानों में फ्री डायलिसिस के लिए सेंटर्स भी कायम किए गए हैं, जहां हजारों डायलिसिस पेशेंट का मुफ्त डायलिसिस किया जा रहा है। वजीर आला केसीआर की क़यादत में हरीश राव ने हर मोहल्ले में एक बस्ती दवाखाना भी कायम किया है और हैदराबाद में 224 बस्ती दवाखानों का क़याम अमल में लाया गया है। हुकूमत की जानिब से लड़की पैदा होने पर केसीआर किट और 13,000 रुपये का तोहफा दिया जाता है, जबकि लड़के की पैदाइश पर 12,000 रुपये का तोहफा दिया जाता है। अभी तक केसीआर किट पर 4,050 करोड़ रुपये का बजट जारी किया गया है, जबकि केसीआर और हरीश राव की खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता। अखिलती मालियती कॉरपोरेशन चेयरमैन मोहम्मद इम्तियाज इसहाक ने इस सिलसिले में वजीर आला केसीआर और वजीर सेहत हरीश राव से इजहार तशक्कुर किया। लेकिन आज हर असेंबली तालुके में डायलिसिस सेंटर खोला गया, हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में 100 बेड 200 बेड का जो हॉस्पिटल बनाया गया। इतने सारे हेल्थ के इश्यूज में भी जो है आज अजला में जो है हैदराबाद तक आने की जरूरत नहीं है, हेल्थ के मामले में वही इलाज हो रहा है, एक से एक डॉक्टर। आज सारे हिंदुस्तान में सब में ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस अगर कहीं हैं वो तेलंगाना में है। टोटल 35 मेडिकल कॉलेजेस आज पूरे तेलंगाना में है, 33 हम नए खोले हैं तेलंगाना आने के बाद। इतने सारे कॉलेज कहीं भी नहीं है, ना इसमें बीजेपी का एक पैसा शेयर नहीं है। पूरे सारे तेलंगाना हुकूमत से केसीआर साहब ने हरीश राव साहब की सदारत में इतने सारे हॉस्पिटल खोल के केसीआर साहब का मकसद है कि हर तालुके में डॉक्टर्स की जो कमी है उसको खत्म किया जाए। कई डॉक्टर्स को जो है तेलंगाना में जो है मेडिकल कॉलेजेस खोल के जो डॉक्टर्स हजारों की तादाद में आज डॉक्टर्स बनने जा रहे हैं तेलंगाना में। आज जो विलेज लेवल तक केसीआर साहब का जो ख्वाब है हर विलेज लेवल तक इलाज किया जाए, हर विलेज लेवल में मेडिकल फैसिलिटी होना बोल के केसीआर साहब का जो ख्वाब है उसको हरीश राव साहब मिलकर लेके चल के काम कर रहे हैं। आज देख लीजिए हुकूमत तेलंगाना बनने के बाद बस्ती दवाखाना, कई अजला में बस्ती दवाखाना है, हैदराबाद में इतने बस्ती दवाखाने हैं। आज लोग गरीब लोग जो है डॉक्टर की फीस नहीं दे सकते, वैसे बस्ती दवाखाने में जाके ऐसे ऐसे डॉक्टर्स है जो बड़े गवर्नमेंट के बड़े बड़े डॉक्टर्स बस्ती दवाखाने में टाइम दे रहे हैं। तो केसीआर साहब का जो कारनामा है बस्ती दवाखाना उसको हरीश राव साहब जो है आगे लेके जा रहे हैं। हर जिले में तकरीबन बस्ती